आपको ये बोलूं कि आप अपने पार्टनर के मन में क्या चल रहा है वो जान सकते हो, तो आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है। जो एजुकेटेड होंगे वो ऐसा सोचेंगे, बाकी जो अभी एनजाइटी या फिर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे वो इसको मान लेंगे। और ऐसे ही मान के आप पता नहीं कितनों की वीडियोस को मान के कुछ कुछ करके फिर भी कुछ नहीं हुआ, आप थक हार गए। तो ये वीडियो देखने के बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो करना शुरू करो, और आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो आधा घंटा करने के बाद इसी वीडियो पे आके आप कमेंट करोगे, या फिर सागर द मोटिवेटर इंस्टा आईडी पे आके आप मैसेज करोगे कि सर ये अमेजिंग हो गया, ये अजीब हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, यू आर द बेस्ट। अब इतना कॉन्फिडेंस से अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, वो भी आपको पता है कि साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से इस चैनल पे वीडियो बनाई जाती है, तो आपको इस वीडियो को पूरी देखनी चाहिए। एग्जैक्टली आज के टाइम में, अभी के टाइम में आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इसको जानना है हमको। अब आप ध्यान से सुनो इस बात को। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि मेरी एक पार्टनर है जिसका नाम दीपिका है। अब आप कहोगे सर और कोई नहीं मिलता है क्या, तो तुम भाव देती हो, तुम तो हो उसके चक्कर में, तो जाओ वो गोल मुहुआ जो है। तो गाइस, जैसे अगर हम विजुअलाइजेशन में अगर किसी जंगल के बारे में सोचते हैं तो हमको क्या क्या दिखाई देता है, शेर, बाघ, चीता एंड वॉट एवर जो भी है। तो अगर हम उस पार्टनर के एनर्जी को अगर फील करने लग जाए तो क्या उसका माइंडसेट हमारे अंदर नहीं क्रिएट हो सकता है। ध्यान से सुनो, मैं बहुत डीप जा रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे आप एंड मी बोथ आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, खुश हो जाओ ना। सुनो, तो अगर हम दोनों एक टाइम तक साथ रहे हैं और अब अलग हो गए हैं किसी कारण से, तो अगर मैं आपको 100% फील करने लग जाऊं, 100% विजुअलाइज करने लग जाऊं, तो एग्जैक्टली जो थॉट मेरे दिमाग में अभी आएगा आफ्टर फीलिंग योर एनर्जी इनसाइड मी, तो जो थॉट मेरे अंदर आएगा वही थॉट उसके अंदर चल रहा है अभी। अब इसका जो प्रोसेस है वो अमेजिंग है, वो ध्यान से सुनो। ये तो समझ गए ना, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप कहीं, वैसे मैं बैठा हुआ हूँ और मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि लाइक दीपिका पादुकोण मेरे सामने है और वो अमेजिंग दिख रही है, और वो आके बोल रही है सागर आई लव यू यार, एंड शी इज़ गिविंग मी वेरी क्यूट क्यूट किसेस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली मेरे चेहरे पे एक ब्लश होगा, मेरे मेरी बॉडी में एक शिवरिंग होगी कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो मुझे किसेस दे रही है। मेरे क्या गौर, कहाँ से किसको क्या बना दिया, छोड़ो, लाइक चंपावती है, चंपावती मुझे किसेस दे रही है, मुझे मतलब लाइक हग कर रही है, और मुझे तो ऑटोमेटिक होगा ना, ऑटोमेटिक मेरे चेहरे पे स्माइल आएगी, ऑटोमेटिक मेरे बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो क्रिएट होगी, ऑटोमेटिक मेरी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, एनर्जाइज्ड फील करूंगा, लविंग लविंग फील करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको फील किया, विजुअलाइज किया, तो मैंने कुछ हद तक उसकी एनर्जीज अपने अंदर क्रिएट करी। भाई उसका चेहरा तो माइंड में लाया ना, उसकी फिगर तो माइंड में लाई ना, मैंने सोचा ना कि हाँ उसका ये चेहरा इस लिप्स के साथ मेरे गालों को आके छू रहा है, इस चीज को मैंने विजुअलाइज किया। दिमाग, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक टर्म है, गूगल करो, दिमाग हमारा वर्चुअल और रियल में फर्क नहीं कर पाता। अगेन आई एम टेलिंग यू, कैसे, अगर आप सांप को देखोगे डर जाओगे, सांप भागो 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 भागो, या फिर अगर आप सपने में सांप को देखोगे फिर भी वही एक्शन दोगे फिर भी डर जाओगे। सी हाउ, मतलब कितना अमेजिंग है ये, सोच के देखो यार, इसी बात पे लाइक करो, इतना डीप कोई नहीं बताएगा। तो जब आप इस चीज को, अब करना कैसे ये सुनो, बैठ गए शांति से, अब बैठने के बाद हम आंखों को बंद कर लिए, ऐसे कहीं भी बैठ गए, डजंट मैटर कि आप कहाँ हो, कैसे, कहीं भी कर सकते हो, डजंट मैटर। अब आप बैठ गए, अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए सबसे अमेजिंग पल
क्योंकि सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके नजर में जो अमेजिंग पल होगा, इसका मतलब अमेजिंग क्यों हुआ आपके नजर में, क्योंकि वही पल आपके अंदर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट किया, इसीलिए वो आपके दिमाग में सबसे अमेजिंग बनकर सेट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे जगह कोई और लड़की होती तो हो सकता था कि उसके लिए अमेजिंग पल कुछ और होता, उसका जैसा माइंडसेट है उस हिसाब से, लेकिन आपका जैसा माइंडसेट है उस हिसाब से आपका अमेजिंग पल ये है। समझ रहे हो, मैं डीप जा रहा हूं। तो अमेजिंग पल आप उसको याद कर लोगे, कुछ भी हो सकता है, लाइक आप लोग कहीं ट्रिप पे गए, लॉन्ग ड्राइव पे गए, साथ में वक्त बिताए, प्यार किए, झगड़ा किए, या फिर माँ बाप से मिलवाए, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, उसी पल को लेके आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको उसको लगातार सोचते रहना है, तब तक सोच, देखो बेस्ट पल होना चाहिए, मतलब आप जैसे मान लो 2 साल साथ रहे, तो उस 2 साल में सबसे बेस्टेस्ट मोमेंट जो होगा वही आपको लाना है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपने बेस्टेस्ट नहीं चुना है, ये समझ जाओ भाई, साइंस के हिसाब से बता रहा हूं। उस मोमेंट को आप बैठ के विजुअलाइज करने लग गए, वापस फील करने लग गए, और इस तरह से फील कर रहे हो, इस तरह से विजुअलाइज कर रहे हो कि आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होना चाहिए कि आप अभी कहां पर हो, आप किस चीज पे बैठे हो, आपके अगल बगल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हो सके तो शांत जगह पे जाके बैठ के करो, लेकिन आप अपने आप में नहीं रहने चाहिए, इस हद तक फील करना है। ये नहीं कि ऐसे फील कर रहे हैं, उधर से आवाज है, खाना खा लो पगली, हट, ये सब नहीं होना चाहिए। आप इतना डूब जाने चाहिए कि आपको कुछ नहीं समझ में आना चाहिए, अगल बगल आपको लगना चाहिए आप वही हो और वही चीजें आपके साथ दोबारा हो रही हैं। इस लेवल तक अपने माइंड को ले जाना है, विजुअलाइजेशन को ले जाना है। जैसे ही आप उस लेवल तक ले जाओगे, वैसे ही आप जब वापस आने की कोशिश करोगे, मतलब जब उस एनर्जी तक पहुंच गए और उस एनर्जी से आप वापस आने की जैसे ही कोशिश करोगे ना, तो आपके अंदर कुछ 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 थॉट्स आएंगे, कुछ 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 थॉट्स आएंगे। साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी बेबी। तो जैसे ही वो कुछ 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 थॉट्स आएंगे ना, वो उसके अभी के थॉट्स हैं। जब आप फुल उस मोड में चले गए और मोड में 5 मिनट रहे, 5 मिनट रहने के बाद जब वापसी करने लग गए, धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफ में आ गए, जब आने लग गए, उस बीच में जो थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स आपके नहीं हैं, वो थॉट्स उसके हैं, वो यही सोच रहा है और आपको ये मिल जाएगा। आप अब भी करके देखो, वीडियो जैसे ही खत्म होता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जाओ ये करो, और वापस आके बोलो आई लव यू सागर, ये तो जादू हो गया, तुम बहुत कमाल के हो, ये चीज आप करोगे चंपावती, ट्रस्ट मी, शुरू तो करो। ये बिल्कुल साइंस बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, आप प्लीज जाके करो। इसमें होता क्या है कि सामने वाले के एनर्जीज को हम डायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने के बाद हमारी और उसकी माइंडसेट बिल्कुल जब कनेक्ट हो जाती है, तो हम थोड़ा सा थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, मतलब हमारा थॉट्स उस तक भी पहुंच सकता है, हम उसका थॉट्स हमारे तक भी आ सकता है। ये मैं नहीं कहूंगा 100% आपको उसके थॉट्स मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोर्सेज के लिए आप व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, हाई लिख के भेज सकते हो, लेकिन मैं बहुत महंगा हूं, तो कोशिश करना वीडियो से ही आपका काम बन जाए। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, सागर द मोटिवेटर के नाम से ID है। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस, लेट्स टॉक।